आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद, साथ आपके मैं हूं हिंदुस्तान की बेटी शालिनी कपूर तिवारी। अफगानिस्तान में आतंकियों की तालिबानी हुकूमत की शक्ल अब साफ हो चुकी है। जो जितना बड़ा दहशतगर्द है तालिबानी सरकार में, उसे उतना ही बड़ा ओहदा दिया गया है। लेकिन तालिबान ने औपचारिक रूप से सत्ता संभालने के पहले दहशत और आतंक का शक्ति प्रदर्शन किया है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज आपको बताऊंगी कि अगर दहशतगर्दों की सरकार बनती है तो उसका शक्ति प्रदर्शन किस तरह का होता है। अमेरिका के छोड़े गए हथियारों के शक्ति प्रदर्शन में तालिबान आज पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। तालिबान ने दहशतगर्दों की जो परेड निकाली, उसे देखकर यही लगता है कि बहुत जल्द अफगानिस्तान में 12वीं सदी की बर्बर तस्वीर देखने को मिलेगी। मैं हिंदुस्तान की बेटी ये देख करके हैरान हूं कि किसी सरकार की परेड में फिदायीन दस्ते की भी नुमाइश की गई। फिदायीन दस्ते वाली सरकार अपने मुल्क का क्या हाल करेगी, ये किसी से भी छिपा नहीं है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज आपको दहशतगर्दों के शक्ति प्रदर्शन को दिखाऊंगी और साथ ही यह भी बताऊंगी कि आखिर इसके मायने क्या है। आतंक के आका को फिदाइन सलामी। अफगानिस्तान में मडरा रहे हैं मौत के दस्ते। बारूद पर अफगान जश्न मनाए तालिबान। मुल्ला का राष्ट्रवाद है आत्मघात। सांप की पूंछ दबाकर उसे जिंदा छोड़ देने का खतरनाक नतीजा कैसा होता है, ये दुनिया ने आज देख लिया। ये अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत का शक्ति प्रदर्शन है और दहशतगर्दों के शक्ति प्रदर्शन में छिपे खतरनाक पैगाम को समझना बेहद जरूरी है। मदरसा छाप तालिबानी दहशतगर्दों का सबसे आजमाया हुआ हुनर है फिदायीन हमले। दहशतगर्दों के आतंक की परेड में फिदायीन दस्ते की नुमाइश ना हो, ये कैसे मुमकिन है। तो मिलिए तालिबान के फिदायीन दस्ते से। कमर में सुसाइड बेल्ट और हाथों में तालिबान का खूनी सफेद झंडा, ये तालिबानियों का फिदायीन दस्ता है और इसी दस्ते को ये दहशतगर्द अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। साफ है कि इन आतंकियों को अत्याधुनिक हथियारों की मारक क्षमता के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है, वरना अपनी शक्ति परेड में तालिबानी कम से कम अपनी फिदायीन दस्ते का प्रदर्शन कर अपनी अंतर्राष्ट्रीय फजीहत तो नहीं कराते। अब जरा तालिबानियों के विस्फोटकों की नुमाइश भी देख लीजिए। मुल्ला बरादर के भाड़े के दहशतगर्द प्लास्टिक के गैलन में तेजाब और अमोनियम नाइट्रेट भरकर अपनी विस्फोटक ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। इन्हीं प्लास्टिक के गैलनों से ये तालिबानी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कार में विस्फोटक भर के उसका भी शक्ति प्रदर्शन किया। अमेरिका के B-2 स्टिल्थ बॉम्बर और हिंदुस्तान के राफेल जैसे फाइटर जेट का मुकाबला ये विस्फोटकों से भरे प्लास्टिक के गैलनों से करेंगे।
तालिबानियों की आतंकी सेना की परेड पर भी एक नजर डाल लीजिए। ये खुद को अफगान की सेना के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी मानसिकता यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही। इसीलिए इनके सैनिक डर से अपना चेहरा ढके हुए हैं। दर्रों और कंदराओं में छिपकर हमले करने वाले तालिबानी दहशतगर्द भला दुनिया को मुंह कैसे दिखा सकते हैं? अपने आतंकी अब्बा जानों के सामने तालिबानी आतंकियों ने मार्शल आर्ट का भी जमकर प्रदर्शन किया। मार्शल आर्ट दुनिया के सबसे पुराने युद्ध कौशल में से एक है, इसलिए तालिबानियों को इसमें महारत हासिल है। हेलीकॉप्टर को मोटर कार की तरह चलाने वाले तालिबानी मार्शल आर्ट की कला में पारंगत नजर आ रहे हैं और उन्हें देखकर इनके अब्बा जान फूले नहीं समा रहे हैं। तालिबानियों के शक्ति प्रदर्शन में जो सबसे कारगर हथियार दिखा वो था मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन ये अमेरिका के छोड़े हुए हथियार हैं जिन्हें चलाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। दरअसल अमेरिकी सैनिकों के बैरंग वापस लौटने के बाद तालिबानियों के हाथ ढेरों अमेरिकी हथियार लगे हैं। इनमें 100 से ज्यादा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। ये मैन पैड्स आसमान में उड़ने वाले किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर या फाइटर को जमीन से ही मारकर गिरा सकते हैं। 1979 से 1989 के बीच जब यूएसएसआर की सेना अफगानिस्तान में आतंकियों के साथ लोहा ले रही थी, तो इसी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था। अफगान मुजाहिदीनों ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ही सोवियत सेना के कई हेलीकॉप्टरों को मार गिराया था। लेकिन इन तालिबानियों को ये बताना जरूरी है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम 80 के दशक के लिए ही ज्यादा कारगर थी। आज राफेल जैसे फाइटर जेट्स जितनी दूरी से आतंकी गढ़ों की कब्र खोद सकते हैं, उतनी दूरी तक ये मिसाइल जा भी नहीं सकती। बहरहाल तालिबानी दहशतगर्दों ने अमेरिका द्वारा छोड़ गए कम्युनिकेशन डिवाइस, वायरलेस सेट, हैवी मशीन गन, मीडियम मशीन गन और M4 जैसे राइफलों की भी नुमाइश की। इनके अलावा अमेरिकी सेना की हमबीज बख्तरबंद गाड़ियों को भी तालिबानियों ने हथिया लिया है। ऐसे में उनका भी प्रदर्शन ये ना करते ये कैसे मुमकिन है? लेकिन यहाँ ये बात समझने लायक है कि अमेरिका ने कहा था कि अफगानिस्तान से लौटने से पहले उन्होंने अपने हथियार और सैन्य वाहन इनएक्टिव कर दिए हैं, यानी उनका इस्तेमाल अब नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका ने दुनिया से झूठ बोला? क्या अमेरिका तालिबानियों को हथियार सौंप कर गया है? क्या तालिबानियों के साथ अमेरिका की कोई गुप्त सेटिंग हुई है? साफ है कि इन सवालों का जवाब अमेरिका नहीं देगा, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिकी सेना ने जिन हालात में अफगानिस्तान से वापसी की है उससे उनकी मंशा पर शक होना लाजमी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब $28 बिलियन के अमेरिकी हथियारों को जब्त किया है। इन हथियारों को अमेरिका ने 2001 से 2017 के बीच अफगानिस्तान में भेजा था ताकि उनकी सेना इन हथियारों के दम पर दहशतगर्दों से लोहा ले सके। लेकिन वही अमेरिकी हथियार आज दहशतगर्दों की ताकत बन चुके हैं। जाहिर है पूरा अफगानिस्तान बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। एक चिंगारी तबाही का बायस बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।